इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम द टॉपिक साइक्लोडल का। तो देखते हैं क्या बोला है। अ सर्कल ऑफ 50 mm डायमीटर रोल्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर हाफ रेवोल्यूशन एंड देन ऑन ए वर्टिकल लाइन फॉर अनदर हाफ रेवोल्यूशन। ड्रॉ द कर्व ट्रेस्ड आउट बाय अ पॉइंट पी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। बेसिकली आपको यहाँ बोला है एक 50 mm का डायमीटर वाला सर्कल दिया हुआ है जो रोल कर रहा है। हाफ रेवोल्यूशन जो रहेगा वो कैसे रहेगा, हॉरिजॉन्टली वो रोल करेगा, फिर जो हाफ रेवोल्यूशन जो बचा हुआ रहेगा उसको कैसे वो ट्रैवल करेगा, वो कैसे रोल करेगा, वो ऑन अ वर्टिकल लाइन। ओके, तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे थे साइक्लॉइड बनाया हुआ था हम लोगों ने। ओके, यहाँ भी साइक्लॉइड ही बनेगा बेसिकली। तो यहाँ पे देखो क्या था, जब वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए अपना कर्व बना तो ऐसा बना हुआ था। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला, हाफ हॉरिजॉन्टल मूव करेगा फिर हाफ वर्टिकल मूव करेगा, ऊपर भी ले सकते हो नीचे भी ले सकते हो वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अगर फुल रेवोल्यूशन अगर हॉरिजॉन्टल मूव करता है तो जो हमारा लेंथ था, लेंथ ठीक है, वो कितना था, 2πr। तो अगर ये हाफ रेवोल्यूशन के लगा वो रोल करेगा तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई आर के बराबर हो जाएगी। ओके, तो अगर 2πr इक्वल्स टू 157 है, जहाँ पर देखो डायमीटर कितना था, 51 था, यहाँ पर देखो डायमीटर कितना दिया आपको, यहाँ पे 50 में डायमीटर दिया हुआ है। तो इट मीन्स 157 बाई 2 दैट इज 78.5 mm जो रहेगा वो हॉरिजॉन्टली रहेगा, फिर 78.5 जो रहेगा फर्दर वो क्या रहेगा, तो वर्टिकल रहेगा। तो ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो कर्व का नाम बताओ क्या होगा आपका, यहाँ पे साइक्लॉइड रहेगा। ओके, नेम ऑफ क्या कर यहाँ पे, साइक्लॉइड है। ओके, यहाँ पे जो गिवन आपका दिया हुआ है, क्या दिया बताओ, फिर डायमीटर दिया था हाउ मच, 50 mm। तो यहाँ पे 2πr जो रहेगा दैट इज हाउ मच, या फिर πd बोल सकते हो, दैट इज हाउ मच, दिस इज 157 mm। फाइन, ओके, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक सर्कल ले लो जिसका डायमीटर कितना है, 50 mm दिया हुआ है। ओके, एक 50 mm सर डायमीटर का एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। ओके, तो ये अपना सेंटर रहेगा, तो सेंटर से हमको करना क्या, पहले यहाँ से नीचे आ जाएंगे, उसके बाद हमको करना क्या, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे विच इक्वल्स टू पाई आर। ओके, इसकी लेंथ कितनी रहेगी, यहाँ पे पाई आर रहेगी। ओके, दिस इज पाई आर विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, 78.5 mm। ओके, ठीक है, तो वही है, इसको पहले अपन कंप्लीट कर लेते हैं, सर्कल को पहले अपन 12% डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो ये जो तरीका था मैं पिछले वाले वीडियो में बता भी चुका हूँ, और उसमें भी एक अलग से मैं वीडियो बनाता था जिसमें मैं खुद बना के दिखाया हूँ कि शीट में उसको बनाते कैसे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसको प्लीज़ देख लीजिए। इस पर भी आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा जहाँ पर मैं खुद इसको बना के बताया हूँ कि एग्जैक्टली उसको ऑन शीट कैसे बनाते हैं। तो इसको समझने के बाद एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। ओके, तो इसको हम डिवाइड कर लिए और यहाँ पे नेमिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, दिस इज 12, दिस सेंटर इज सी। ओके, अब इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट 2πr, दिस इज πr। नीचे क्लाइंट ड्रॉ कर लूँगा मैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ओके, आखिरी वाले पॉइंट को अपन आखिरी वाले जोड़ लेंगे, लास्ट वाले एंड वाले पॉइंट जोड़ लेंगे, फिर ड्राफ्टर के हेल्प हम क्या करेंगे, ड्राफ्टर को यहाँ पर लेके आएंगे, इसको टाइट कर लेंगे, फिर पीछे वाले में आकर के पैरेलल लाइन अपन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ओके, इस टाइप से जब अपन इसको ड्रॉ कर लेंगे तो ये अपना हो जाएगा 1-2-3-4-5 एंड दिस इज 6-। ओके, अब करना क्या होता है, वंस अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 11 से पास होता हुआ निकलेगा। ओके, ये अपना आ गया पहला लाइन, फिर 10 और 2 से मिलता हुआ सेकेंड लाइन आएगा, सेंटर 9 और ये 3 से मिलता हुआ तीसरा लाइन आएगा, फिर 8 और 4 से मिलता हुआ चौथा लाइन आएगा, ठीक है, 7 और 5 से मिलते हुए एक और लाइन आएगा, और लास्ट में 6 अकेले आएगा। ओके, देखो ये सब बन चुका है, फाइन। अब ड्राफ्टर के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रेट ऊपर में, ओके,
एक पॉइंट लेंगे, इसका नाम क्या होगा, सी वन हो जाएगा। बेसिकली अगर मैं सी वन को वंस डैश जोड़ दूंगा मैं, तो ये जो लाइन रहेगी वो इस लाइन के 90 डिग्री पर रहेगी। ओके, ड्राफ्ट के ऊपर ऐसा रखेंगे, ठीक है, फिर वन डैश लगा के सी वन यहाँ पर पॉइंट मार्क करूंगा। वैसे ही इसके ऊपर जो अपना रहेगा, दिस इज सी टू, इसके ऊपर आएगा अपना सी थ्री, इसके ऊपर आएगा अपना सी फोर, इसके ऊपर आएगा अपना सी फाइव, और इसके ऊपर अपना लास्ट में रहेगा क्या, सी सिक्स। फाइन, ओके। अब आर काटना है, आर काटने के लिए हम क्या करते हैं, सी से लेकर 12 तक के डिस्टेंस को मेजर करते हैं, विच इक्वल्स टू रेडियस ऑफ दिस सर्कल, विच इज नथिंग बट योर 50 mm। अगर डायमीटर 50 दिया तो रेडियस कितना होगा, 25 mm का रहेगा। ओके, ठीक है, तो सी वन पर रखोगे तो यहीं कहीं कटेगा। ओके, दिस पॉइंट इज पी वन। सी टू पर रखोगे, देखो यहाँ पे भी काटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वन वाली लाइन पास कर रही है, तो सी वन पकने पे जब काटोगे तो यहीं कहीं कटेगा। ये जो आर्क है ये ना इस लाइन पे आना चाहिए और ना इस लाइन के इधर आना चाहिए, इस लाइन के हल्का से इधर पे आएगा। वैसे सी टू पर रखोगे तो कहाँ पर आएगा, टू वाले लाइन पर कट करना, तो कहीं यहाँ पर ही आएगा। ओके, सी थ्री रखोगे तो यहाँ पर ही आएगा। सी फोर पर रखें तो फोर वाले लाइन से कट करना, सी फाइव पर रखें तो कहाँ कटेगा, यहाँ कट गया। सी सिक्स पे कहाँ आएगा, स्ट्रेट ऊपर में आएगा, सिक्स डैश सी सिक्स, और ये पी सिक्स क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पे आएगा। फाइन, तो ये अपना पी फाइव, ये अपना पी फोर, ये अपना पी थ्री, ये अपना पी टू। ओके, इनको मिलाते हुए अपन एक बढ़िया सा ये अपना क्या हुआ, आधा रेवोल्यूशन के लिए अपना क्या हुआ, साइक्लो साइक्लॉइड हो गया अपना ये। बट यहाँ पे तो क्या बोला, यहाँ पे देन ऑन ए वर्टिकल लाइन फॉर अनदर हाफ रेवोल्यूशन, इसका मतलब ये है कि अब ये वर्टिकली मूव करने वाला है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, इस सी सिक्स को सेंटर मानते हुए अपन एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सी सिक्स को सेंटर मानते अपने क्या, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। अगर इसको अपन क्या करेंगे, छह पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। मैं रफली बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आया बाया टाइप का बन रहा है, प्लीज डोंट माइंड। ओके, ये अपना हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सी सिक्स, ओके, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लूंगा ऊपर में, और उसको बेस मानते हुए इसको अगेन मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा। देखो ये अपना कैसा था, क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो क्लॉकवाइज रोटेट किया इसलिए वो यहाँ से खिसक के यहाँ तक आया। अगेन अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे जब रखेंगे और ये क्लॉकवाइज जब रोटेट करेगा तो आपको क्या होगा, ये ऊपर जाएगा। आई बात समझ में, क्लॉकवाइज रोटेट करने पे क्या होगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो क्या करना, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, पाई आर। तो अब क्या करना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेजर करना, यहाँ पर यहाँ तक कट कर लेना उसको। ओके, यहाँ से यहाँ तक मेजर किए, यहाँ पर उसको ऐसा कट कर दिए। ओके, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जितने मेजरमेंट होगी, यहाँ से उतना रहेगा, यहाँ भी उतना रहेगा। तो यहाँ से हम मेजरमेंट ले लिए, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, फिर यहाँ पर के तीन, फिर यहाँ पर के चार, फिर यहाँ पर के पाँच, और ये वाला पॉइंट मान लो कहाँ पे है, यहाँ पर है। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ का नेमिंग करना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ का नेमिंग। तो देखो यहाँ पे अगर पॉइंट 12 है और यहाँ पे 6 है, तो जब भी उल्टा घूम के यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो भाई, ये अगर ऊपर में है तो ये वाला पार्ट नीचे में होगा ना, सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पे जो नेमिंग करना, बाकी नेमिंग कैसा होगा, मतलब अगर 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे कि यहाँ पे, कैसे मालूम पड़ेगा, 7 यहाँ पे लिखना है कि यहाँ लिखना, कैसे मालूम पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 6 के बाद 7 8 9 10, ये जो अपना ये क्या है, ये क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, ये अपना क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, 6 के बाद 7 यहाँ पे है, फिर 8 यहाँ पे है, तो 6 अगर यहाँ पे तो 7 यहाँ पे आएगा, फिर 8, फिर 9, ये अपना कैसे करना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। देखो यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे मूव किया था, तो यहाँ पर 10, फिर 11, या 12 हो गया, तो ये अपना क्या, 1, ये अपना पॉइंट 2, ये अपना 3, ये अपना 4, ये अपना 5, और ये अपना क्या होगा, 6 हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे हम लोग सेंटर वाली लाइन से अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए थे पैरेलल टू दिस लाइन, वैसे क्या करना पड़ेगा अब इस लाइन के पैरेलल। ओके, सबसे पहले दिखा दो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, दिस इज नथिंग बट योर पाई आर। ओके, दिस इज पाई आर विच इज इक्वल्स टू 78.5 mm। ओके,
ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन एक सेंटर से पास होता हुआ एक लाइन अपन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, तो अगर ये C1, C2, C3, C4, C5, C6 था तो यहाँ पे क्या होगा? देखो तो यहाँ से यहाँ तो मेजर कर लो, ये सब डिस्टेंस आपस में क्या है सेम। तो यहाँ की जस्ट ऊपर हम क्या लिखेंगे अपने यहाँ पे C7 लिखेंगे, फिर इसके जस्ट ऊपर हम क्या लिखेंगे अपन C8 लिखेंगे, इसके जस्ट ऊपर हम क्या लिखे आप C9, इसके जस्ट ऊपर हम क्या लिखो आप C10, इसके जस्ट ऊपर क्या लिखोगे आप C11, और इसके जस्ट ऊपर हम क्या लिखोगे आप C12। ओके, यहाँ तक लिख लिया है। ओके ठीक है, अब देखो ये वाला कौन सा पॉइंट है 8, तो इसको आप 8, सॉरी ये वाला पॉइंट कौन सा 9 है। ओके, तो ये जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो अगर ये 9 9 डैश पे है तो ये 10 10 डैश पे आएगा, ये 11 11 डैश पे आएगा, और ये 12 12 डैश पे आएगा। तो ये कौन सा होगा 1 डैश, या अपना होगा 2 डैश, या अपना हो जाएगा 3 डैश। ओके, क्योंकि ये जब क्लॉकवाइज अब यहाँ पे रोटेट होगा, ये जब क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेट होगा तो ये वाले पॉइंट कौन सी है 9 वाली पॉइंट है, तो ये अपना क्या 9 डैश हो क्या। ओके, ये अपना 10 है तो अपना 10 डैश, ये 11 है तो ये अपना 11 डैश, ये 12 तो 12 डैश, फिर 12 के बाद कौन आएगा 13 ही है, ये अपना क्या है 1 है, तो 1 डैश, फिर 2 डैश, फिर 3 डैश यहाँ पे। ओके, यहाँ तक का आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 से एक लाइन निकला तो 8 और 10 से मिलता हुआ एक लाइन अपना यहाँ पे गुजरेगा। ओके, तो ये जो पॉइंट है ऐसा को निकलेगा। ओके, फिर यहाँ पे 7 और ये 11 मिलके अपने एक और लाइन यहाँ से गुजरेगा। ओके, यहाँ से ऑलरेडी निकल चुका है तो 5 और ये 1 से मिलता हुआ अपना एक लाइन गुजरेगा, फिर से पैरेलल टू दिस लाइन अगेन 2 और 4 से 7 मिल मिलता हुआ एक पॉइंट लाइन निकलेगा, फिर लास्ट में 3 से निकलता एक लाइन निकलेगा अलग से। ओके, अब करना क्या है मुझे यहाँ पे आर्क काटना है, तो यहाँ से यहाँ तो मेजर कर लो। ठीक है, विच इक्वल्स टू रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ओके ओके, तो ये जो आर्क था, ये आर्क, ये सब क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, सब इक्वल लेंथ के होंगे। तो यहाँ पे जब रखोगे कहाँ पे काटोगे, देखो मैं कहाँ पे रखा हूँ, C7 पे रखा हूँ मैं। ठीक है, ये अपना क्या C6 था, अब C7 पर अपन रख के आर्क काटेंगे। तो अगर C7 पर रखूंगा तो मैं कौन सी लाइन पर काटूंगा, जो लाइन 7 से पास होता हुआ निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब रखोगे तो कहाँ कटेगा आपका, ये यहाँ पे कटेगा। ओके, देखो ये कौन सा लाइन, जहाँ पे आपका 7 है, ये अपना क्या है 7 है। ओके, ये 6 था तो ये अपना 7 होगा, तो 7 से पास होने वाला लाइन कौन सा है, ये लाइन है। तो C7 पर रखने पर कहाँ कटेगा आपको, यहाँ कट गया मान लो। फिर C8 पर रखूंगा मैं, तो 8 वाली लाइन बताओ कौन सी है, ये वाली 8 वाली लाइन है मान लो, ये अपनी लाइन कौन सी 8 वाली है, तो यहाँ रखो तो कहाँ कटेगा आपका, यहाँ पे कटेगा। ओके, तो ये अपना क्या होगा C7, ये अपना जगह सी ये सॉरी P7, ये अपना जगह P8। जब C9 तो रखो तो कहाँ कटेगा, कि बिल्कुल एग्जैक्टली 12 डैश पे कटेगा ये, तो ये अपना पॉइंट क्या हो जाएगा ये P9। अगेन जब C10 पर रखो तो कहाँ कटेगा, इसके जस्ट ऊपर आओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा साइड में कटेगा, तो दिस इज P क्या होगा ये 10 हो जाएगा ये। अगेन C11 पर जब आओगे तो कहाँ कटेगा ये, समवेयर हियर दिस इज P11। अब जब C12 पर आओ तो कहाँ कटेगा ये, यहाँ पे कटेगा, तो दिस इज P12। ओके, तो कर देखो कैसा बनेगा बेसिकली, ये ऐसा होते हुए 12 डैश तक आया, फिर यहाँ से निकलते हुए कहाँ तक जाएगा ये, यहाँ तक आएगा ये, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा आपका हाफ रेवोल्यूशन के लिए ऐसा बना। और ये अदर हाफ रेवोल्यूशन जब ये वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगा, आप चाहो तो उसको नीचे भी मूव करवा सकते हो। ठीक है, कैसे मूव कराओगे, जैसे मैं इसको बेस ले लिया हूँ मैं, ठीक है, मैं इसको बेस मानते हुए इसको ऐसा क्लॉकवाइज रोटेट किया हूँ मैं, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बेस मानते हुए, ठीक, इस लाइन को बेस मानते हुए अगेन क्लॉकवाइज रोटेट करने पे क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा, हाफ रेवोल्यूशन कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, तो बस ऐसे भी दिखा सकते हो, वैसे भी दिखा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में कभी ये नहीं लिखा हुआ है कि ऊपर गया कि नीचे गया। ठीक है, मान लो मैं उसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो उस केस में आपको जो जो अदर कर्व जो रहेगा, जो हाफ अदर हाफ रेवोल्यूशन जब ये वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, तो उसके केस में जो अपना कर्व बनेगा वो कैसे बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।